नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूं आपके बीच में। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की किस महारत्न कंपनी ने रूस के साथ कच्चे तेल को खरीदने का समझौता किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रूस के साथ कच्चे तेल को खरीदने का समझौता किया है। और ये ऑयल कितना होगा? 2 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन ऑयल भारत की IOCL कंपनी रूस के साथ खरीदेगी। भारत दुनिया का खनिज तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है और भारत को सबसे ज़्यादा आपूर्ति जो करता है कच्चे तेल की वो करता है इराक, और सेकेंड नंबर पर है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। DRDO ने रोसोबोरो नेक्सपोर्ट कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी विकास पर अनुबंध किया है, यह कंपनी किस देश की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसराइल, इटली, फ्रांस और रूस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस। रूस की कंपनी है रोसोबोरो नेक्सपोर्ट। तो DRDO ने इसके साथ एक अनुबंध स्थापित किया है और यह उन्नत इग्निशन सिस्टम DRDO को प्रोवाइड कराएगा। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 पे और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान रहा? तो चार ऑप्शन दिए हैं, 36, 40, 50, 53। तो अभी जो हाल में जारी हुई इसमें भारत का स्थान रहा 40। पिछले वर्ष भारत का स्थान था 36 और टोटल जो देश थे इसमें वो थे 53। पहला स्थान प्राप्त किया है अमेरिका ने और भारत को 40वां स्थान प्राप्त किया है। और यह सूचकांक जारी किया जाता है वॉशिंगटन स्थित US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। एक संगठन है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसके जो मेंबर राष्ट्र हैं वो हैं 192 और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य एशिया व्यापार परिषद का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, नूर सुल्तान, नई दिल्ली, ताशकंद और बिस्केक। तो मध्य एशिया व्यापार परिषद का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है? फिक्की के द्वारा, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1927 में और यह नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये छह देशों का, मध्य एशिया के छह देशों हैं उनके साथ एक व्यापारिक समझौता। इन देशों में शामिल है भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये छह राष्ट्र इस व्यापार परिषद में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल जीवन मिशन किस राज्य में लागू किया गया है? चार ऑप्शन दिए हैं, हिमाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और झारखंड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर। विगत 31 अक्टूबर 2019 को जो केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी की गई उसके तहत जम्मू कश्मीर के दो हिस्से करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के पहले जो उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के हैं आर के माथुर। और जल जीवन मिशन का उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइपलाइन कनेक्शन के द्वारा शुद्ध एवं पेयजल की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य में गांव के मानचित्रण के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा? चार ऑप्शन दिए हैं, स्क्रीन पे तीन दिख रहे हैं आपको, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो चार ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने गांव के मानचित्रण के लिए ऐसी योजना बनाई है जिसमें ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। 55,000 गांवों को चुना जाएगा और राजस्व विभाग है जो मध्य प्रदेश सरकार का, उसने मानचित्रण एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहां के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और राज्यपाल हैं श्री लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का।
भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया ने मिलकर पूरे देश में कितने उच्च प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना करने जा रहे हैं? तो हॉकी इंडिया और साई भारत में 7 उच्च प्रदर्शन केंद्र की स्थापना करने जा रहे हैं और ये 7 स्थान हैं: बेंगलोर, दिल्ली, सुंदरगढ़ उड़ीसा, भोपाल मध्य प्रदेश, पुणे, इम्फाल और रांची। इन 7 स्थानों पर उच्च प्रदर्शन केंद्र की स्थापना हो रही है। इनका उद्देश्य 2024 और 2028 के जो ओलंपिक हैं उनमें युवा प्रतिभाओं को तैयार करना है। और ये योजना जो तैयार की गई है वो खेलो इंडिया जो केंद्र सरकार की योजना है, वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, उसके द्वारा तैयार की गई है। साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 पे एक पंजीकृत सोसाइटी के तहत की गई थी, 1984 में साई की स्थापना। और 7 उच्च प्रदर्शन केंद्र खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन हैं: पंजाब, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मिजोरम। मिजोरम ने पंजाब को हरा कर इसकी विजेता टीम बनी है और इसका आयोजन किया गया था मेघालय के शिलोंग में। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं बीपी बदनौर। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री जोराम थंगा, राज्यपाल हैं श्री धरन पिल्लई। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं तथागत रॉय। मणिपुर की राज्यपाल हैं श्रीमती नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? 4 ऑप्शन दिए हैं: क्रिस्टीना कोच, पेगी विटसन, सुनीता विलियम्स और साइना पांड्या। तो किस अंतरिक्ष महिला यात्री ने, इसका क्वेश्चन है अंतरिक्ष महिला यात्री ने, तो वो आंसर राइट आंसर इसका क्रिस्टीना कोच ने 328 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहकर, ये नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने 328 दिन अंतरिक्ष पर बिताए हैं और सर्वाधिक समय तक वहाँ पर रहने का रिकॉर्ड बना है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो था 289 दिन, वो पेगी विटसन के द्वारा था। सुनीता विलियम और साइना पंडित ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। नासा की स्थापना की गई थी 1958 पे वॉशिंगटन पे, जबकि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र पर कार्य करने वाला संगठन है इसरो। इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और वर्तमान जो इसके हेड हैं वो हैं के सिवान। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठरोग पुरस्कार से किस पर्सनैलिटी को नवाजा गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठरोग पुरस्कार से किस महापुरुष को नवाजा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: डॉक्टर एनएस धर्मसक्तू, सुनीता नारायण, सर डेविड एटनबरो, योही सासाकावा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डॉक्टर एनएस धर्मसक्तू। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है और सुनीता नारायण ये जानी मानी पर्यावरणविद हैं। सर डेविड एटनबरो, इन्हें हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बीबीसी के पत्रकार हैं। योही सासाकावा जापानीज हैं, इन्हें विगत वर्ष 2018 का गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। गांधी पीस प्राइज की स्थापना हुई थी 1985 में और इसमें एक करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। और जो अभी ये गांधी कुष्ठरोग पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोगों के प्रति महात्मा गांधी की सेवा और करुणा के याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जन सेवक योजना लॉन्च की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक राज्य के द्वारा जन सेवक योजना लॉन्च की गई है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बीएस येदुरप्पा और राज्यपाल हैं श्री वाजुभाई वाला। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट करके हमें बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन्स को दबाएं जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।